अच्छा जी, अब हमने लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, पहला हो गया वह। तो मैंने जो है उसको एंड किया था किसके ऊपर, ब्लैक बॉडी रेडिएटर या रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएटर और रेडिएशन, तो मैंने आपको ये जो बात है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो आइडियल ऑब्जार्वर होता है, यानी कि आप जितनी रेडिएशन उसके ऊपर डालें उतनी कोई भी ऑब्जार्व कर ले और उतनी ही वो एमिट कर दें। तो कोई भी जो आइडियल ऑब्जार्वर ऑफ रेडिएशन या आइडियल एमिटर ऑफ रेडिएशन होता है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर कहते हैं। ठीक है, तो एनी आइडियल ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएटर। तो इसको जो है वो हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर का नाम जो है वो देते हैं, यानी कि जो भी कोई आइडियली ऑब्जर्व भी करे और एमिट भी करे। तो अब हमने ये जो ब्लैक बॉडी है ये कैसे बनती है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका सारा जो है वो हमें ज़रा स्टडी करके देखना है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं थर्मल रेडिएशंस की, अभी आपने इससे पीछे जो है वो क्या पढ़ा है, वो आपने थर्मल रेडिएशंस जो हैं वो भी पढ़ी हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं थर्मल रेडिएशंस की, इनको हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या इनको अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं आइडियल जो ब्लैक बॉडी रेडिएटर है उसको इंट्रोड्यूस करवा के। एक बात आप याद रखें कि हमेशा फिज़िक्स के अंदर जब भी किसी चीज़ को स्टडी किया जाता है तो सबसे पहले उसका आइडियल वर्जन देखा जाता है। ठीक है, जो रियल वर्जन होता है उस रियल वर्जन के अंदर कोई कमियां कोताहियां कोई मसाइल जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन जो आइडियल वर्जन होता है उसको स्टडी करना या उसके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना या उसको डिस्क्राइब करना जो है वो आसान होता है। ठीक है, अब मसलन हमारे जो जैसे हमारा मज़हब है इस्लाम, उसके अंदर सबसे आइडियल शख्सियत किन की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी शख्सियत को डिस्क्राइब करना बहुत आसान है। ठीक है, वो मासूम है, कोई गुनाह नहीं, मतलब उनके, लेकिन किसी और आदमी आम को उठा के देख लें तो उसके करैक्टरिस्टिक बयान करने तो बड़े मुश्किल हैं, उसके अंदर तो 100 खराबियाँ और 100 खामियाँ और कई मसाइल हैं। तो इसीलिए फिज़िक्स के अंदर भी जब भी पहले किसी आइडियल चीज़ को उठा के उसको पहले हम चेक करते हैं उसके बाद रियल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रॉपर्टीज हैं थर्मल रेडिएशंस की, इनको हम आइडियल रेडिएटर से स्टडी करते हैं और वो आइडियल रेडिएटर जो होता है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर का नाम जो है वो देते हैं। अब ये जो आइडियल रेडिएटर ये हमें कैसे मिलता है, ये आइडियल रेडिएटर हमें ऐसे मिलता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक कैविटी जो होती है, कैविटी का मतलब होता है सुराख करना, होल करना, एक कैविटी जो है उसको ड्रिल करते हैं। ठीक है, वो कैविटी ड्रिल करने के बाद, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास कोई आइडियल ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसके अंदर ये एक इस तरह की कैविटी जो है उसको ड्रिल करूँगा, ये एक सुराख इसके अंदर बनाऊंगा। अब आप क्या करेंगे, इस के ऊपर आप रेडिएशंस को फॉल करेंगे, वो रेडिएशन इस कैविटी से गुजरती हुई इस बॉडी के अंदर दाखिल होगी। अब ये जहरी बात है, जो कैविटी आपने बनाई है ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई है,
तो इस कैविटी की वॉल्स होंगी, दीवारें होंगी कैविटी की। अब वो जो रेडिएशन आएगी वो इन दीवारों से टकराएगी, उन दीवारों के अंदर क्या है, एटम्स हैं। वो एटम्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो एटम्स क्या करेंगे कि इन रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगे। तो वो जितनी रेडिएशंस पड़ेंगी उनको अब्जॉर्व करेंगे। फिर एटम्स के अंदर एक फिनोमेना होता है कि एटम एक्साइट और डीएक्साइट होते हैं। जब वो एनर्जी लेते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर वो एनर्जी को रिलीज भी करते हैं, यानी कि जब वो डीएक्साइट होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो अब वो जितनी रेडिएशन अपने अंदर अब्जॉर्व करेगी कैविटी, उतनी ही रेडिएशन उससे बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। ये हमारे पास जो ये फंक्शन है ब्लैक बॉडी रेडिएटर का। तो अगर एक ब्लॉक ऑफ मटेरियल हो, जैसे मैंने ये लिया यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ मटेरियल, तो इसके अंदर मैं कैविटी को ड्रिल कर दूँ तो मेरे पास एक ब्लैक बॉडी जो है वो बन जाती है। ठीक है जी, तो एन आइडियल रेडिएटर कैन बी ऑब्टेन्ड, एक आइडियल रेडिएटर जो है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मेकिंग ए कैविटी, या कैविटी मीन के होल, ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल के, ठीक है, जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल लिया है उसके अंदर एक कैविटी या होल जो है वो आप बना दें, बीइंग हेल्ड एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जो के ऑब्जेक्ट जो है वो आपका किसी यूनिफॉर्म टेम्परेचर के ऊपर होगा। यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जो चेंज ना हो रहा, उसको हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर कहते हैं। जो तो ये जो स्मॉल होल होता है इसको ड्रिल किया जाता है विद इन ए वॉल, किस लिए, ताकि इसकी मदद से रेडिएशन जो हैं वो ब्लैक बॉडी के इनर साइड में एंटर हो सके और उसी ही होल से एंटर हो और उसी ही होल से इस्केप जो है वो कर सके। तो ये जो थर्मल रेडिएशन होती हैं इस केस के अंदर, यानी कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर एंटर होती हैं और ब्लैक बॉडी से निकलती हैं, इन थर्मल रेडिएशन को हम कैविटी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम देते हैं। These radiations which came out of the black body are known as cavity or ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, या इनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का नाम देते हैं। टेम्परेचर रेडिएशंस भी इनको कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस, टेम्परेचर रेडिएशन, सारे इनके नाम। अब मैं इसकी एक डायग्राम एक और बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखें कि आपके पास एक क्यूबिक शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां से ये मैं एक कैविटी इसके अंदर ये ड्रिल कर देता हूं,
इसको कहते हैं ऑर्फिस या सुराख। ऑर्फिस, ठीक है, ये तो सुराख है। अब क्या होगा, रेडिएशन ये आएगी, ये रेडिएशन आएगी इसके ऊपर पड़ी, अब इसके ऊपर ये रेडिएशन पड़ के यहां लगेगी, इधर जाएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी और इसी तरह बाहर भी निकलेगी, ठीक है, अंदर एंटर होगी ना तो उसकी वॉल्स के साथ टकराएगी। अब वॉल्स जो हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं वो इस रेडिएशंस को अब्जॉर्व करेंगे और फिर वो जब एक्साइट से डीएक्साइट होंगे तो इसके अंदर से रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। तो ये रेडिएशन जो इससे बाहर निकलेंगी इनको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कैविटी रेडिएशंस, टेम्परेचर रेडिएशंस, ये सारे नाम जो इनको दिए जाते हैं। तो ये जो रेडिएशंस होती हैं ये सिर्फ डिपेंड करती हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के ऊपर, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ मैंने अभी पहले थर्मल रेडिएशन में ये बात बताई थी कि थर्मल रेडिएशन जो होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और ये जो है जो नेचर होती है मटीरियल की शेप या कैविटी की उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि दीज रेडिएशंस ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये रेडिएशन जो हैं ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, बट नॉट ऑन द शेप ऑफ ऑफ कैविटी वॉल्स एंड द नेचर ऑफ मटीरियल। और जो नेचर है मटीरियल की, अब नेचर ऑफ मटीरियल का मतलब है कि मटीरियल कौन सा है, कोई भी मटीरियल हो सकता है, ठीक है जी। मटीरियल तो कई किस्मों के हो सकते हैं, आपको अब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकता है, ये तो सारे मटेरियल ही है ना, मटेरियल ही, ठीक है। उनमें क्रिस्टल भी हो सकते हैं, अमार्फस भी हो सकते हैं, पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करती रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, उनकी डिपेंडेंस जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर है। अब ये जो ब्लैक बॉडी थी, अब इसको जब ये जो रेडिएशन निकली, ये एक 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी के शुरू में ये रेडिएशन जो थी ये एक बहुत बड़ा मुम्मा थी साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर, यानी कि इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा पाया जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 18th और 19th सेंचुरी जो थी या 17th सेंचुरी जो थी इसमें जो चीज़ें थी वो न्यूटन के लॉस पे सारी चलती थी, और जो हाइजेंस की वेव थ्योरी थी, ठीक है, उसके ऊपर चलती थी, क्योंकि जो 19th सेंचुरी की बिगिनिंग थी ना उस तक यही कहा जाता था कि लाइट जो है वो वेव है, लाइट एक वेव है, अभी उस वक्त कोई ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो लाइट को जब आप वेव लेते हैं तो वो क्लासिकल थ्योरी बन जाती है, और जब आपके पास वो क्लासिकल थ्योरी बन जाती है तो फिर उसके अंदर हम लाइट को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टीज को। तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, यानी कि आपने जब भी किसी चीज को वेव को देखना होता है तो उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाता है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम जो होता है उसका एक ग्राफ होता है, उस स्पेक्ट्रम का ग्राफ आता है, फिर उस ग्राफ को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया। अब वो जब ग्राफ बन रहा था तो उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर उस सारे साइंसदान जो थे वो कंफ्यूज थे, क्योंकि वो ग्राफ जो था जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी ना वो उसके मुताबिक नहीं आ रहा। तो
तीन साइंसदानों ने इसमें तीन कोशिशें की, जिनमें स्टीफन बोल्ट्जमैन एक साइंसदान था, फिर उसमें एक साइंस रैले और जीन्स था, और एक साइंसदान था वीन्स। इन तीनों ने कोशिश की, तीनों नाकाम रहे, फिर चौथा आया, उसने आके इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो बताई, और उसका नाम था प्लांक। शायद आपने नाम सुना है इसका, प्लांक। प्लांक इंस्टीट्यूट है जर्मनी के अंदर, एक बहुत बड़ा, ठीक है, जहाँ पर जो है वो रिसर्च की जाती है बड़ी हाई लेवल की, ठीक है। तो वो इसी प्लांक के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि प्लांक जो था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है। तो वैसे आइंस्टाइन जो था ये भी यहूदी था और जर्मन था, लेकिन ये बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गया था ये भी, ठीक है। तो अब ये तीन लॉज जो हैं, पहले हम इनको समझेंगे, फिर हम चौथा लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो चौथा लॉ जो है उसने कैसे इसको ओवरकम जो है वो किया। तो पहले नंबर के ऊपर जो इससे रिलेटेड, यानी कि कैविटी रेडिएशन से जो रिलेटेड लॉज है, जब इसकी एक्सप्लेनेशन, ये रेडिएशन तो निकल आई ना बाहर, अब आपने रेडिएशन को एक्सप्लेन करना है, इनके स्पेक्ट्रम को, वो नहीं था हो रहा। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहला लॉ जो आया वो आया स्टीफन बोल्ट्जमैन का। द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है जी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो जो टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ कैविटी डायामीटर है, ठीक है, या जो एनर्जी आपके पास एमिट हो रही है पर सेकंड पर एरिया, जो कि तमाम वेवलेंथ्स के ऊपर आप इसको सम कर दें, यानी कि जिसको हम कहते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया, जितनी पावर किसी एरिया में से एमिट हो रही है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो अब जितनी पावर निकल रही है, जितनी एनर्जी निकल रही है इस एरिया के अंदर से, उसको हम कहते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कहा कि ये जो कैविटी रेडिएशन निकल रही है, इनकी जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के इक्वल है। टेम्परेचर की फोर्थ पावर के इक्वल है, इसका मतलब है कि कितनी ज्यादा इनकी डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर है कि उसकी फोर्थ पावर, यानी कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ वेव्स निकलेंगी, इंटेंसिटी शिद्दत, यानी कि बट जितना नंबर बढ़ता जाएगा वेव्स का, उतनी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा कि ये जो रेडिएंट इंटेंसिटी है ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी रेडिएंट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ये पहला लॉ इन रेडिएशंस को, जब ये ब्लैक बॉडी से निकली तो इनको एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया गया तो ये फर्स्ट लॉ जो था उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। तो द टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ कैविटी डायामीटर, जो कैविटी के डायामीटर में से निकल रहा है, ठीक है। यहां आप इसको डिफाइन कर सकते हैं आर एनर्जी एमिटेड, के जो एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया ओवर ऑल वेवलेंथ्स, ओवर ऑल
वेवलेंथ जो कि सारी वेवलेंथ के ऊपर है, ओवर समड भी इधर लिख लें, समड ओवर को यहां डाल, समड ओवर ऑल वेवलेंथ, ठीक है, जो कि तमाम वेवलेंथ के ऊपर जिसको आपने सम किया हुआ है एज रेडिएंट इंटेंसिटी, और इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडिएंट इंटेंसिटी का जितनी पावर है आपके पास, और इसको आप किससे रिलेट करेंगे, टेम्परेचर से, यानी कि जो रेडिएंट इंटेंसिटी है आई ऑफ टी ये है ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, पहले मैं इक्वल नहीं डालता, पहले मैं प्रोपोर्शनल का निशान डालता हूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फोर, टेम्परेचर की पावर फोर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ऑब्जर्व किया, उसने रेडिएशंस को जब चेक किया। अब जारी बात है कि जब यहां से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूंगा, इसको खत्म करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये आई ऑफ टी जो है ये सिग्मा टी फोर के बराबर आ जाएगा, और इसमें सिग्मा जो है व्हाट इज दिस, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम जो है वो दिया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ये सिग्मा दैट इज इक्वल टू 5.67 10 की पावर -8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन 4, क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 है, मीटर स्क्वायर किसका है, एरिया का, वाट किसका है, पावर का, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब जो ऑर्डिनरली यानी कि जो ऑर्डिनरी किस्म के हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी जो रेडिएट करने की होती है वो हमेशा ब्लैक बॉडी से कम होती है, ये भाई याद रखें, ब्लैक बॉडी जो है दैट इज एन आइडियल रेडिएटर, ब्लैक बॉडी जो है वो एक आइडियल रेडिएटर है, बाकी जितने और दूसरे हैं उनकी एफिशिएंसी हमेशा ब्लैक बॉडी से कम होगी, जैसे आप भी पढ़ते हो कार्नोट हीट इंजन, शायद याद हो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है, नहीं वो उसमें तो पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट ईयर के अंदर है, उसमें कार्नोट इंजन आपने पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं कार्नोट इंजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा, कार्नोट साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि कार्नोट इंजन जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है, इससे ज़्यादा मतलब हाइपोथेटिकल था, थ्योरेटिकल था, ठीक है, जितना हम इसको ले रहे हैं ना ब्लैक बॉडी को, ये भी आइडिया है, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, अगर कोई और रियल बॉडीज लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी इससे कम होगी, तो अब अगर रियल बॉडी के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ हम लिखें तो वो यहाँ पर हमें एक फैक्टर एप्सिलॉन का इजाफा करना पड़ेगा सिग्मा टी फोर, ब्लैक बॉडी के लिए तो ये एप्सिलॉन 1 होगा, ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए तो ये 1 होगा, लेकिन ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसको हम कहते हैं इमिसिविटी, जो एप्सिलॉन होता है ना इसको इमिसिविटी कहते हैं किसी कैविटी रेडिएशन की, एप्सिलॉन एमिसिविटी ऑफ कैविटी रेडिएशन, एमिस, ठीक है, एमिस का मतलब होता है एमिशन से, एमिसिविटी एमिशन की, ठीक है, अमिस लफज, अमिसिविटी कहाँ से आ रहा है, अमिशन से लफज जो आ रहा है, ये इसकी इसको अमिसिविटी जो है वो कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास आइडियल ऑब्जेक्ट है तो फिर एप्सिलॉन
वन के बराबर होता है, यानी कि अगर ब्लैक बॉडी है फॉर आइडियल ऑब्जेक्ट एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन, ठीक है, आइडियल ऑब्जेक्ट के लिए एप्सिलॉन वन होगा, लेकिन अगर आइडियल ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए एप्सिलॉन हमेशा लेस देन वन होता है, ठीक है, वो वन नहीं हो सकता क्योंकि वो आइडियल जो है वो नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये पहला लॉ था जिसको हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है ये आपको ये बताता है कि जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के बराबर होती है, ठीक होगी बात। अब जो है वो ज़रा हमने आगे थोड़ा सा चलना है इससे, अब हमने वीन्स लॉ और रेलेजन लॉ जो है उसको भी स्टडी करके देख लें। अब हमने जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी है उसको समझना है, स्पेक्ट्रल रेडियंसी रेडिएशन से रेडियंसी है, स्पेक्ट्रल का लफज स्पेक्ट्रम से है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है ये आपको ये बताती है कि जो इंटेंसिटी है कैविटी रेडिएशन की वो वेरी करती है विद वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है मैं हम इसको शो करते हैं इससे आर ऑफ लैम्डा से। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर, आर ऑफ लैम्डा वेरीज विद वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है ये वेरी करती है वेवलेंथ से, और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये जो प्रोडक्ट है आर ऑफ लैम्डा डी लैम्डा, डी लैम्डा का छोटा सा पोर्शन है वेवलेंथ का, आर ऑफ लैम्डा जो है वो टोटल उसकी रेडियंसी है, तो इसका जो प्रोडक्ट है गिव्स द पावर, ये आपको पावर देता है, गिव्स द रेडिएटेड पावर, यानी कि जो पावर रेडिएट हो रही है, जो पावर निकल रही है पर यूनिट एरिया, किसी एरिया में से दैट लाइज इन द वेवलेंथ बैंड लैम्डा, और लैम्डा से आगे लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसके अंदर ये लाई करता है। अब आप रेडिएंट इंटेंसिटी, अब जारी बात है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनमें से एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन तो नहीं निकल रही होगी, ठीक है, यही मसला था ना, यही मसला था। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि
एक ही वेवलेंथ की सारी रेडिएशंस निकल रही है। लेकिन ये अजम्पशन जो है ये गलत है, एक्चुअली एक ही वेवलेंथ की सारी रेडिएशंस नहीं निकल रही, वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस जो है वो निकल रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उन डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनको सम करना पड़ेगा ओवर द एरिया। तो जब आप किसी चीज को सम करते हैं ओवर द एरिया, यानी कि एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, तो फिर इंटीग्रेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर इस रेडिएंट इंटेंसिटी को इसकी, इसका मैं अगर इंटीग्रल ले लूं, इसका अगर मैं इंटीग्रल ले लूं, तो ये रेडिएंट इंटेंसिटी बन जाएगी स्पेक्ट्रल रेडियंसी का, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि आई ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी आर ऑफ लैम्डा डी ऑफ लैम्डा। लेकिन ये किस पर है, एट फिक्स्ड टी, लेकिन ये फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर देखते हुए हम रेडिएंट जो इंटेंसिटी है उसका कर्व आप प्लॉट करें वेवलेंथ के साथ, ठीक है, तो वो कर्व जो है वही कर्व असल में सबसे बड़ा मसला था। टाइम ओवर हो गया, ओके।